अगला प्रश्न नहीं होगा, अगला प्रश्न नहीं होगा, अगला प्रश्न। शंकर सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 93। मंत्री जी एक के बाद एक। नहीं, वो एक के बाद एक प्रश्न आ रहे तो आगे। लगातार 3 सवाल हैं साहब, निकालने में भी टाइम लगता है राठौड़ साहब। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, खंड एक प्रश्न का। ब्यावर शहर में सीवरेज समस्या से निजात दिलाने के हेतु केवल अमृत योजना के अंतर्गत राशि 138,92,00,000 स्वीकृत थी। इसका टेंडर 13/10/16 को जारी किया गया था। निर्माण की शर्तें परिशिष्ट अपर संलग्न है। खंड दो जी नहीं, निर्माता कंपनी द्वारा ब्यावर शहर की सड़कों को पूरी तरह से नहीं खोदा गया, शहर की सारी सड़कों को नहीं खोदा गया। इस परियोजना के तहत शहर के लगभग 55% क्षेत्र में 119.52 मतलब 119.52 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली गई है, जिसमें 82 किलोमीटर पक्की और 37.52 किलोमीटर कच्ची सड़क को खोदकर सीवर लाइन, मेन होल, घरेलू सीवर कनेक्शन का कार्य किया गया है। उक्त समस्त स्थानों पर सीवरेज लाइन हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य उसकी पूर्व की स्थिति के अनुसार करवा दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड तीन, राजकीय अमृत कोर जिला चिकित्सालय की मुख्य सड़क को सीवरेज निर्माण कंपनी द्वारा टेंडर के प्रावधान के अनुसार जितनी चौड़ाई की सीवरेज लाइन खोदी गई थी उसका रिपेयर कार्य करवा दिया गया है, परंतु सीवरेज लाइन के दोनों तरफ, सीवरेज लाइन जो पड़ती है वो सड़क के बीच में पड़े चाहे साइड में पड़े, लेकिन सीवरेज लाइन अगर मान लीजिए 4 फुट की होती है या 5 फुट चौड़ की होती है तो बाकी सड़क तो खाली रहेगी ना। सीवरेज लाइन की जितनी चौड़ाई की सीवरेज लाइन खोदी गई है उसका रिपेयर का कार्य करवा दिया गया है, परंतु सीवरेज लाइन के दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़क को सही करवाने के लिए नगर परिषद ब्यावर द्वारा 4/2/21 को निविदा आमंत्रित कर ली की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इस सड़क को बना दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जो सीवरेज के कार्य किया गया है वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच उसको खोदा गया है, 4-4 फीट की उनको आवश्यकता होती है खोदने के लिए, लेकिन सीसी सड़कें, पक्की सड़कों को खोदा गया जो 10-10 फीट माननीय अध्यक्ष महोदय पूरी की पूरी सड़कें उखड़ चुकी है, उसमें से सीसी रोड जो 1 फीट का थिकनेस होता है वो कभी भी 4 फीट टूट कर नहीं आएगी, जैसी भी से खोदते हैं पूरी की पूरी सड़कें खोदी गई है। अब आप कह रहे हैं कि साहब 2 फीट की रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो पूरी की फुट की सड़कों को खोद रखा है, पूरा शहर अस्त व्यस्त है। नंबर दूसरा प्रश्न ये है कि सेदरिया के अंदर जो सेदरिया से ब्यावर की सड़क खोदी गई है उस पॉइंट के ऊपर नगर परिषद कहती है सीवरेज बनाएंगी, सीवरेज वाला कहते हैं, कभी PWD का नाम लेते हैं कभी नगर परिषद का नाम लेते हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, वो जनता किसके भरोसे है, वो सड़क कौन बनाएगा, थोड़ा आप इसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि सड़क बिल्कुल सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोद दी गई है, ये बात सही है। जब सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोदी जाएगी तो लेफ्ट और राइट की जो सड़क है उस पर मलबा पड़ेगा, मलबा पड़ा रहेगा, क्योंकि जब खोदेंगे तो मलबा निकलेगा, मिट्टी निकलेगी,
निकलने की तो वो डैमेज तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संवेदक के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया, ये एग्रीमेंट की कॉपी है मेरे पास, ये मैं दे देता हूँ, इसकी शर्तें पढ़ लेना आप। हाँ, ये शर्तें पढ़ लेना इसकी, पूरा पूरा पढ़ लिया। तो एग्रीमेंट जो किया गया उसमें सिर्फ इतना सा है कि जितनी चौड़ाई में वो कंसेशनर सिविल लाइन खोदेगा उतनी ही उसकी उसी को रिपेयर करेगा, बाकी रिपेयर करने का काम नगर परिषद का है। बजट भी आपके पास में है कि बजट उसमें नगर परिषद में है ही नहीं, कहाँ से बजट देंगे नगर परिषद दोनों तरफ से हाथ खाओ। माननीय मंत्री जी, ये प्रश्न सारे नगरों का है। एक मिनट, जब आप वो निवेदा मैकेनिक मतलब मैकेनाइज वे में उसको करता है तो उसके आसपास की जो साइड की जो है वो भी कोलैप्स होती है, और जब कोलैप्स होती है ऊपर तो उसका मलबा आता है और नीचे वो कोलैप्स हो जाती है, जब कोलैप्स हो जाती है तो संवेद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे उसको तो काम करना नहीं है, और नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो जो सीवरेज का अच्छा पैसा हम दे के काम करवा रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस बारे में विभाग को कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे तीनों में कोऑर्डिनेशन रहे, सीवरेज डालने वाले में भी, नगर पालिका के रिसोर्सेज में भी, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं, अन्यथा लोगों के दिमाग में सीवरेज के कारण तकलीफ आ रही, न तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, न मोटरसाइकिल जा पा रही है, बच्चों को तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूँ इसके बारे में कोई न कोई विभाग को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करने का निर्णय करना चाहिए। ये समस्या जो अध्यक्ष महोदय आपने बताई है और जैसा माननीय सदस्य ने बताई है बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हैं ये ज़्यादातर RURDP के द्वारा माध्यम से चलते हैं, और RURDP के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो ADB में जाते हैं, और ADB वाले में जो मंजूर करके आते हैं वो प्रोजेक्ट हमें लेने पड़ते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर मान लीजिए ADB से आप माननीय मंत्री, प्रोजेक्ट कौन बनाता है? एक प्रोजेक्ट तो हम एक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के टेक्निकल आदमी ही रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, जिसके आधार पर RURDP सबमिट करती है और ADP फाइनेंस करती है। तो इनबिल्ड हम इसमें इस प्रोविजन को करने में क्या तकलीफ? ADB मानती नहीं है, ADB कहती है जितना सीवरेज खुदेगा उतना ही कंसेशन जो है उसको रिपेयर करेगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है। वर्ल्ड बैंक के जितने भी एडेड प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें उनकी कंडीशन होती है, मैं सहमत हूँ, लेकिन जो एजेंसी जिसको इनिशिएट करना पड़ता है उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम आपका लोन तब लेंगे तब हमारी इस बात को मानोगे। ये बात तो हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को नेगोशिएट किया है, उनकी कंडीशन को हमने नहीं माना है, डिले हुआ उसमें, डिले होने के बाद उनको हमारी कंडीशन को मानना पड़ा। आपसे ये है कि भाई आप जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है सारे नगरों में, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम की अपेक्षा से लोन लिया राजस्थान सरकार ने, टैक्स तो राजस्थान सरकार की जनता को देना पड़ेगा, हम इन बिल्ड ही कमजोरी है इसके संबंध में निर्णय करें। ADB का लोन लेने के लिए भी हम ये निर्णय करेंगे तो अपने आप वो कंडीशन को मानेंगे। ADB का लोन के लिए गरज राजस्थान की सरकार को होती है, ADB को गरज नहीं होती, उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं वहां की जो लोकल बॉडी है उससे इस बात के लिए हम भरवाते हैं कि आसपास का जितना भी है वो रिपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। आज जैसे ब्यावर का किस्सा है, ब्यावर के किस्से में आपने बताया कि साहब आसपास की सड़कें खत्म हो गई, नगर पालिका के द्वारा बाकायदा उसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं। आप ये पिक्चर देखें मंत्री जी आप सुनो ना, आप इसको अन्यथा ले रहे हैं क्या? ADB ने लिख रखा है कि मैकेनाइज खुद ही, मैं समझा मेरे को, ADB ने लिखा कि ये खोदना है, खोदने का एक तरीका मैकेनाइज है, आज की डेट में बड़ी बड़ी मशीन आ गई उससे भी खुदता है, एक तरीका है जिसमें गेती पाउडर से भी खुदता है। हमारी जितनी नगर पालिका की सड़कें हैं वो सड़कें इसलिए नहीं कोलैप्स कर रही है कि मैकेनाइज वे में जो कॉन्ट्रेक्टर काम करता है उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए इस संबंध में आप मुझे आर्ग्यूमेंट में तो हमारा काम है इस समस्या के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना, हम इसमें कोई एग्रीमेंट, आप जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहें मत करें, लेकिन जनता की ये तकलीफ है इसके संबंध में सरकार को